गुड मॉर्निंग टू ऑल will डियर about 2D अबाउट 3D shape. आप मैं आज को 2D और 3D shape शेप के बारे में तो आज मैं आपको 2D और 3D shapes शेप्स के बारे में बताने जाऊंगा कि 2D और 3D shapes शेप्स में difference क्या होता है द ऑब्जेक्ट अराउंड अस कम इन वेरियस शेप्स लाइक

आपका केवल दो डायमेंशन होते हैं उसे हम टू डी शेप्स कहते हैं जैसे की लेंथ ब्रेथ ओनली एंड थ्री डायमेंशनल क्या हुआ जिसमें हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही होते हैं जैसे कि हाउस अब डिफरेंस हम देखेंगे 2D और 3D में डिफरेंस कैसे कैसे होते हैं अब डिटेल में हम 2D डी के बारे में पढ़ते हैं 2D डी शेप्स होते अदर वर्ड ए प्लेन ऑब्जेक्ट दैट हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ इज टू डायमेंशनल Straight or curved line make up the side of the square side of this shape. Also, this figure we can have any number of sides. In general, we can say that plane figure made of line are known as polygon. For example, triangle square are polygons. Now more about this 2D shapes ka examples. एग्जाम्पल्सिटेंगल आप इसमें देख सकते हैं आपको एग्जाम्पल्स में दिखाई दे रहे होंगे की रेक्टेंगल में केवल लेंथ और ब्रेथ होता है इसलिए टू डायमेंशनल है सर्कल में देखो आपको केवल अगर देखोगे तो रेडियस मिलता है और इसके चारों तरफ का सरकमफरेंस मिलता है आपको लेंथ और ब्रेथ ही समझ सकते हो इसमें भी स्क्वायर स्क्वायर में आपका देखो चारों तरफ से केवल साइड से यानी इसे लेंथ भी मान सकते हो दूसरे को ब्रेथ मान सकते हो क्योंकि ये एक प्लेन फिगर है प्लेन फिगर का मतलब है क्या हम एको इसको इसको सिर्फ सिंपल एक लाइन में दिखा सकते हैं इसलिए ये एक पूरी शेप से इसलिए इसे प्लेन फिगर भी कहा जाता है नाउ एग्जाम्पल्स में आपको तो समझ में आ गया हो कि रेक्टेंगल सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल कोडिलेटर और पेंडेगल ये जितने भी फिगर दे रखे हैं सारे के सारे आपके टू डायमेंशनल होते हैं शेप्स में आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए और वो एक प्लेन फिगर भी होता है थ्री डी ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बताया था आपको अभी कि थ्री डी ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें आपको लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों की जरूरत होती है In our day-to-day -day life, we see several objects around us which have different shapes. For example, books, ball, ice cream cone, etc. On the things common in these objects is that all the have same length, breadth, and height or depth. Thus, they have the three-dimensional, as known as the 3D shapes. The 3D stand for the three-dimensional. थ्री डी सेक्यूपाइज वर्ल्ड थ्री डायमें यू कैन ट्रेवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड राइट लेफ्ट अपन फॉर एग्जाम्पल ऑफ थ्री डी शेप अब एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो थ्री डी शेप्स के क्या क्या होते हैं जैसे की आपको एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं कि बोइ क्यू सिलेंडर सेन आर दू एग्जाम्पल ऑफ थ्री डी शेप्स क्योंकि इसमें देखो आपका लेंथ नजर आ गया ये लेंथ हो गया ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपका हाइट हो गया दोबारा देखो ये लेंथ ये आपका ब्रेथ और ये आपका हाइट क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दे रखी हैं इसलिए एक थ्री डायमेंशनल है टू डायमेंशन में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ और थ्री डायमेंशन में जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है इसमें देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हो इजीली कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पेस ज्यादा कवर करता है एस कंपेयर टू टू डी के बाद अब टू डी और एज में क्या डिफरेंस होता है तो देखो सबसे पहले तो आपको ये थ्री डी ऑब्जेक्ट में ही मिलेगा फेस वर्टेक्स और एज तो अब देखो ये एक क्यूब है अब वर्टेक्स मीन्स ये जो पॉइंट है एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ यानी कि सिर्फ कॉर्नर डॉट पॉइंट इसे हम डॉट पॉइंट्स भी कह सकते हैं जहां से सारे के सारे ज्वाइंट होते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं फेस का मतलब होता है जो हमें नजर आता है देखो फेस कितना एक दो एक पीछे वाला तीन चार पांच और नीचे का एक ये फेस हो गया एज का मतलब होता है लाइंस देखो ये जो लाइंस हैं वन यानी yani हो गया आपका 12. ये क्यूब के हैं. इसी तरीके से में भी सेम ही होता है क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड ऑलमोस्ट सेम फेस वर्टेक्स और एज होते हैं. नाउ इन दॉर्नर द वर्टेक्स ट्वेल्व लाइन सेगमेंट ऑन फॉर्म द स्के Skeleton of cube and its edges. Now the six flat square surfaces the skin of cube and the faces of the, the two dimension figure. Identify the faces three dimension. For example, a cylinder has two faces which are circles and also a pyramid. अब जैसे cylinder में बता रहा है कि केवल दो ही faces होते हैं, एक टॉप से एक बॉटम से. Now अब इसके बारे में अधिक डिटेल में अब चलते हैं.

f जो है आपका फेस है v आपका वर्टेक्स है e एज है और t 2 ये इसे यूलर फार्मूला है ये हम यूज करते हैं आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने में चाहे फेस हो वर्टेक्स हो या एज हो इनमें से कोई दो चीजें दी होती है और तीसरी चीज आपको निकालने को दिया जाता है इसी रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने अपने एक वीडियो में कराया था अगर आपने देखा हो तो नहीं तो ये आपका नेक्स्ट 8 9 10th स्टैंडर्ड में आते हैं नाउ नेट ऑफ पोलिहाइड्रॉन अब पोलिहाइड्रोन की बात आते हैं हम नेट क्या क्या होते हैं सबसे पहले नेट क्या है आपका जो डायग्राम है solid solid, और तो देखो ये आपका क्यूब है क्यूब का थ्री डी ऐसा होता है और नेट फिगर का मतलब है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका नेट फिगर है इसी तरीके से आपका क्यूबॉइड क्यूबॉइड का शेप ये है आपका थ्री और इसका नेट सेप जो है वो इस टाइप्स का बनेगा ये हम ज्यादातर ग्राफ पे बना के देखते हैं पिरामिड पिरामिड का शेप इस टाइप्स का है नीचे आपका स्क्वायर है और बाकी सब क्या है? सेप है तो देखो इसी तरीके से आपका सेंटर में देखो स्क्वायर नजर आ रहा है और अदर कॉर्नर पे एक ट्राइंगुलर शेप बना हुआ नजर आ रहा है इसी तरीके से सिलेंडर है सिलेंडर के टॉप और बॉटम सर्कुलर हैं और बाकी साइड्स रेक्टेंगल टाइप का है तो देखो ये आपका सिलेंडर का होता है इसे कहते हैं नेट फिगर यानी कि अगर हम इसको ज्वाइन करें तो एक सेप मिल जाए जो हमारा थ्री व्यू का लिया हुआ है 3D में फेस एज और वर्टेक्स कितने होते हैं वो अब मैं आपको बताता हूं थ्री डी सेप्स आपका क्यूब है क्यूब में देखो आपका फेस हो गया सिक्स एज हो गया ट्वेल्व और वर्टेक्स हो गया एट रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब है जिसका बेस होता है रेक्टेंगल के शेप का और उसमें आप फेस वर्टेक्स और एज कितने तो होते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो है उसमें सिक्स फेसेस होते हैं एज आपका ट्वेल्व होता है वर्टेक्स आपका एट होता है इसी तरीके से सिलेंडर है सिलेंडर में फेस आपका दो होता है एक तो टॉप पे और एक बॉटम में जो सर्कुलर एंड होता है एज यानी कॉर्नर होते ही नहीं है और वर्टेक्स भी नहीं होते हैं नाउ कौन कौन में देखो एक फेस होता है जो हमें नजर आता है एज कौन में होता ही नहीं है और वर्टेक्स भी नहीं होता है स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर पिरामिड में आपका फेस फाइव है एज एट है और वर्टेक्स आपका फाइव है ट्रायंगुलर प्रिज्म ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपका फेस फाइव है एज सिक्स है और वर्टेक्स आपका सिक्स सॉरी ट्रेंगुलर प्रिज्म में फेस आपका फाइव एज नाइन और वर्टेक्स है सिक्स स्क्वायर में स्क्वायर में फेस जीरो एज जीरो और वर्टेक्स भी जीरो ट्रेंगुलर पिरामिड फेस फोर एज सिक्स और वर्टेक्स फोर हेक्सागोनल प्रिज्म में फेस एट एज एट और वर्टेक्स आपका ट्वेल्व इस तरीके से तो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है टू डी और थ्री डी शिप्स के बारे में आई होप यू लाइक माई वीडियो सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स भी थैंक यू सो मच